साथियों, हम श्री राम शांता जैविक कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कोटा के प्रांगण पर आज हम सरल खाद बनाएंगे। जो हमारे गोबर का ढेर रहेगा, उस गोबर के ढेर को हम किस तरह से व्यवस्थित करके और उसके अंदर हम कुछ चीज़ें डालेंगे जैसे गुड़, गोबर, छाछ, और उनके द्वारा हम 45 से 60 दिनों के अंदर किस तरह से हम खाद बना सकते हैं, वो विधि के बारे में कई बार जिक्र किया गया और कई बार बना चुके हैं, लेकिन आज फिर हम उसी विधि को बनाएंगे। जिस तरह से आपको ढेर दिख रहा है गोबर का और ये सामग्री ले रखी है हमने, तो अपन जो गोबर का ढेर रहेगा उसे लंबाई में कितना भी ले सकते हैं, लेकिन जो उसकी ऊंचाई है वो हमको ध्यान रखना है, 2 फीट तक ही रहनी चाहिए, 2 से 2.5 फीट, इससे ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। जिस तरह का ये ढेर दिखा हुआ है, इस तरह की लंबाई अपन कितनी भी ले सकते हैं। और जैसे हमारा एक ट्रॉली या एक टन जो हमारा गोबर रहेगा उसके अंदर हम कितनी सामग्री मिलाएंगे और किस तरीके से मिलाएंगे, तो हम उसके लिए हम 30 लीटर छाछ लेंगे और 30 किलो ताज़ा गोबर लेंगे और 2 किलो गुड़ लेंगे। तो आप देख सकते हो हमारे दोनों बाल्टियों के अंदर 30 लीटर छाछ है, तो हम इसको अभी इसके अंदर ड्रम के अंदर मिक्स करेंगे। ये इस तरह की आपको छाछ ऐड करनी है। हमने छाछ ऐड कर दिया, छाछ के बाद हम 2 किलो गुड़ लेंगे। तो गुड़ हमने पहले से ही पानी के अंदर भिगो रखा है, जिससे पानी हो चुका है, और ये हमने 2 किलो गुड़ ऐड कर दिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे 30 किलो ताज़ा गोबर, जो आप देख सकते हो ये 30 किलो ताज़ा गोबर अब हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी जैसे हमने इसके अंदर ताज़ा गोबर और छाछ और गुड़ सब मिक्स कर दिया है और इस पानी के अंदर इसको डाल दिया, और इसके बाद में हम इसको हिला लेंगे बढ़िया, जिससे क्या है कि पूरा घुल जाएगा, और पूरा घुलने के बाद में इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हम जो रहेगा हमारा जो ढेर रहेगा, तो इस तरह से लंबा रख सकते हैं, इसकी ऊंचाई हम 2 फीट रख सकते हैं, 2 से 2.5 फीट रख सकते हैं। और इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो हमारी जो गर्मी होगी, जैसे गर्मी की वजह से ख़राब हो जाता है, तो हम इसको ऊपर पराल से ढंग देंगे तो गर्मी की वजह से ख़राब नहीं होगा। दूसरा क्या होगा कि हमें जो सामग्री लेनी है, जैसे 2 किलो गुड़ है और 30 लीटर छाछ है और 30 किलो हमारा गाय का गोबर है, तो हम जो ऐड करेंगे ऊपर से गोबर, लेकिन ये ढेर हमारा गोबर का है, फिर भी हम ऊपर से गोबर ऐड कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, गाय का ही गोबर लेना है और ताज़ा लेना है, जो 1 दिन से लेके 5 दिन या 7 दिन का पुराना हो। अब इस तरह का हम लेने के बाद में इसके अंदर मिक्स कर देंगे और इसमें डाल देंगे। अब ये जो गोबर का ढेर है, भैंस का भी हो सकता है, बकरी का भी हो सकता है, भेड़ का भी हो सकता है और गाय का भी हो सकता है, लेकिन हम और 30 किलो ताज़ा गोबर ऐड कर दिया, 2 किलो गुड़ डाल दिया। अब हमने 30 किलो छाछ ऐड कर दी है और 30 किलो जो गाय का ताज़ा गोबर मिक्स करा है और 2 किलो गुड़ को हमने पहले घोल लिया था और इसके अंदर मिला दिया। बाकी की सामग्री डालने के लिए इसमें पानी ऐड कर दिया था। अब इसको हम क्या करेंगे कि जैसा हमारा ढेर है, इसको ऊपर हमने लकड़ियों से छेद कर रखा, उस छेद में इस गोल को डालेंगे, जैसे हमारा रायता बना हुआ है गुड़ गोबर छाछ वाला। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हम इसके अंदर छेदों में डालेंगे। तो आपको क्या करना है कि पहले जैसे हमारा ढेर है उसके अंदर हमें 1.5 फीट की या 1-1 फीट की दूरी पर इस तरह के छेद कर लेना है। छेद करने के बाद में हमें ताज़ा गोबर का गोल इस तरह से डालना है, जैसे गोबर छाछ वाला जो रायता बना रखा है इस तरीके से हमें डालना है। कि जो छेद करेंगे हम नीचे तक छेद करेंगे, जैसे 2 फीट का लिया तो हम नीचे तक छेद कर दिया, और इन छेदों को पूरा पानी से भरेंगे, जैसे हम भर रहे हैं, तो इन छेदों के अंदर पूरा गोल डाल रहे हैं हम। तो इस तरह से इन छेदों के अंदर पूरा गोल डालने के बाद में फिर हम आगे का काम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो 200 लीटर का ड्रम का जो गोल है वो इस तरह से हमने डाल दिया इन गड्ढों में, फिर उसके बाद में जो 200 लीटर का ड्रम हमारा 1 टन के अंदर मतलब बच जाता है पानी, जो हमारा गोल है वो बच जाता है, तो उस गोल को हमें इस तरह से लिपाई की तरह कर देना चाहिए, जिस तरह से कौशल जी कर रहे हैं, इस तरीके से आपको इसको ऊपर डाल देना, जिससे एक परत चढ़ जाएगी, तो इस तरीके से बचा हुआ गोल अपने इस तरीके से काम में ले सकते हैं। अब जैसे इसके अंदर हम जो 200 लीटर का गोल बनाया था हमने गुड़ गोबर छाछ वाला, वो इसके अंदर डाल चुके हैं, डालने के बाद में इसको ऊपर भी गोल की परत चढ़ा दी है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसको छाया से ढकना है, या तो पराल से ढकेंगे, या फिर पन्नी से ढकेंगे, या फिर त्रिपाल से ढकेंगे। तो इस तरीके से कि जो पराल है इस तरह से कचरे से इसको ढक सकते हैं अपन, ढक सकते हैं। ये ढकते क्यों है, क्या कारण है इसको ढकने का, एक तो जो सूर्य की किरणें पड़ती है, धूप की किरणें पड़ती है, वो डायरेक्टली हमारे गोबर को ऊपर नहीं पड़े, इससे क्या होगा कि पोषक तत्वों की हानि होगी, तो इस वजह से हमको इसके अंदर छाया कर देनी है, ताकि इसके अंदर नमी बनी रहे और धूप की किरणों की वजह से ये भी बचता रहे। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। और जो भी हमारे गाँव के अंदर जितनी भी रेवड़ियाँ पड़ी हुई है,
ऐसे ही पड़ी हुई है गड्ढे में, ऐसे हमारा गोबर का कोई उपयोग नहीं हो रहा, ऐसे पड़ा हो, तो उसको इस तरीके से सही तरीके से सेट करें गोबर को, और सेट करने के बाद में गुड़ गोबर छाछ वाला घोल बनाए, और घोल बनाने के बाद में इस तरह छेद करके और रायता इसके अंदर डाल दें, और हमें किसी पराली वगैरह से या फिर पेड़ के पत्तों से घास फूस से इसको ढक दें, जिसके अंदर इसकी धूप की किरणें डायरेक्टली इसके सीधे संपर्क में नहीं आए। और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, एक तो हमारा जो गोबर का ढेर है सालों भर तक पड़ा रहता है फिर भी नहीं बनता है, तो ये हमारा 45 से 60 दिन के अंदर इसका गोबर का खाद बन जाएगा, कंपोस्ट बन जाएगा। इस विधि को सरल खाद बोलते हैं, क्योंकि ये सरलता से बन जाती है, इसलिए इसका नाम सरल खाद रखा हुआ है। तो इस तरीके से अपने गोबर के ढेर को आप खाद के रूप में परिवर्तन कर सकते हो और बना सकते हो। तो ये सरल विधि है, तो आप भी अपने रेवड़ी के ढेर को सुधारें, और सुधारने के बाद में इस तरीका करें, और उसमें गुड़ गोबर छाछ मिला के बहुत ही जल्द 45 से 60 दिन में खाद बनाएं। धन्यवाद साथियों, अगर आपको और जानकारी लेनी हो या और पूछनी हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।